ये देखिए काफ़ी सारे बने हुए हैं, मतलब इससे होता गया है? कोई बताएगा मुझे, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो कितने वो बनाए हुए हैं, ईंटों के, पत्थरों के, अलग अलग टाइप के, होता क्या है ये? एक्चुअली मुझे इसके बारे इतना पता नहीं है, इतना पता कि लोग घर बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये नहीं पता। वाह, दुनिया का सबसे छोटा अनार देखिए भाई, दुनिया का सबसे छोटा अनार है ये, शायद आपने कभी देखा ना हो। एवरीवन वेलकम बैक टू जो मर्जी चैनल। और की हाल है सारे? आई होप कि सारे बढ़िया ही होंगे। और अज का ब्लॉग आए सी कितने, थोड़ा काम गए हुए सी, छुट्टी का दिन, तो पहले इनू देख लो, ये बंदा उही है जिहदा लास्ट हुण ब्लॉग पाया सीगा। तो हाजीपुर साइड दसूहा साइड गए हुए सी काम, तो काम तो फ्री हो के हुण असी सोचा किधर राह एक महादेव जी का टैंपल पैंदा है, टीला महादेव करके है कुछ, हले पूरा नाम नहीं पता, देख के दसांगे। तो कह रहे बहुत वधिया लोकेशन है, नैट च मैं बहुत देखी हुई है, बहुत वधिया, शायद तुसीं भी देखी होवे। तो चलो उत्थे जाके मिलते हैं तुहानू, हले ड्राइव कर रहे इन्ना बोल नहीं सकता। तो ठीक है, उत्थे जाके तुहानू मंदिर के दर्शन करवाने अज महादेव जी दे, ते आप भी करते हैं। तो छुट्टी का दिन सी, संडे सीगा, सोचिया चलो थोड़ा ब्लॉग अज का भी हो जाए। चलो मिलते हैं तुहानू उत्थे। सो गाइस, ये है मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, गगन जी का टीला, सहोड़ा कंडी। तो अभी निकलेंगे टेंपल के लिए, तो बस पहुंचने वाले हैं शिव मंदिर। और यहाँ का व्यू यार वाकई बहुत ही मस्त है, मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। और ये देखिए, ये देखिए आ रही है पूरी, व्यू चेक करो यार, व्यू बहुत ही मस्त है। इधर नहर है? नहर भी ऐसा ऐसा। अच्छा, पानी है, बहुत मस्त व्यू है। अभी कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा क्योंकि साइड में धूप है और शीशा भी थोड़ा गाड़ी का साफ है, मतलब गंदा है। तो काफी रश है भाई, ठीक ठाक रश है, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा ना, गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो ये है टेम्पल की पार्किंग, आई थिंक पार्किंग ही है, काफ़ी खाली जगह, गाड़ियाँ तो यहीं लगी हैं। और सामने इधर है मेन गेट, और यहाँ से अब चलेंगे हम, हमारी यात्रा स्टार्ट होगी अब ना यहाँ से। तो शायद बोल रहे हैं कि 750-800 पौड़ी है ये, हम चढ़ेंगे अभी, तो देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। और जो हमारी 1333 और जय मनीष भाई, हाँ जी मनीष भाई, पूरा संडे एंजॉय कर रहा आज बंदा। हाँ जी, कर रहे एंजॉय या नहीं? बहुत ज्यादा चलो मिलते हैं आपको। ये है जी 10 रुपए की पार्किंग यहाँ की, और ये सीढ़ियाँ स्टार्ट है अब यहाँ से हैं। यार गाड़ी भी जाती है यार, रहने दे, गाड़ी लेके नहीं जा रहे, पैदल ही जाएंगे। ये सीढ़ियाँ और पता नहीं कितनी है, बताएंगे आपको पूरी, काउंट तो अभी करेंगे ऊपर तक जाके ना। तो अभी इसमें डबल ऑप्शन है ना, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हो और पैदल भी, गाड़ी वाला रास्ता जो। तो इधर देखो शक्लें, हाँ अभी चला भी नहीं कुछ भी, और सांसें फूलने लगी भाई साहब, सांसे तब तक चलेगी जब तक रहेगा तेरा छाया बोले। हाय यार, मजे पूरे हैं, मजा आ रहा पूरा। कैमरा तो क्या कैमरा ये? हाँ यार, वो रूम में रह गया, वो लेके आना चाहिए। तो चल रहे हैं, बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर तक। गाड़ी का भी रास्ता था, शायद एंट्री मिल जाती, बट जो पैदल का यात्रा करने का मज़ा वो अलग ही है। तो अभी चल रहे हैं, अभी जब तक है जान चलेंगे ना, तो चल रहे हैं, बस धीरे धीरे चलते जाएंगे और पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये है यहाँ का व्यू, मंदिर हम पहुंच चुके हैं,
भाई ये जो नोटिस बोर्ड है ना हर मंदिर में लगाना चाहिए है। स्कूल कॉलेज से भागे हुए विद्यार्थी लड़की लड़कियां मंदिर की मर्यादा को बनाए रखे, उनकी किसी भी गलत हरकत करने पर सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अब हर पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। तो भाई जो बंक मार के आते हैं ना कपल उनके लिए स्पेशल है ये, ध्यान रखना। ऐसा काम मंदिरों मत किया करो कि मजबूरी से ये बोर्ड लगाना पड़े। खुद समझदार बनो, क्योंकि पढ़े लिखे हो तुम, स्कूल कॉलेज जाते हो, तो थोड़ा ध्यान रखें। एक नोटिस ये है, ये भी आप पढ़ लीजिए। मंदिर के अंदर जाने के लिए अपना परिवार पहरावा ठीक रखे। कटी जीन, जीन टॉप, कैपरी भी अन्य तरह के पहरावे वाले लोग मंदिर में प्रवेश ना करें, ठीक है। मंदिर में उन लोगों को दर्शन करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी जिनका पहरावा सही नहीं है। तो भाई कटी फटी जीन तो नहीं है? नहीं है, सही बात है। ये सब ध्यान रखें आप अपना। तो चलते हैं मंदिर की ओर। भाई अब तो भोलेनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। तो ये है टेंपल। मनीष आया, व्यू यहाँ का देखिए आप, पूरे पहाड़ दिखते हैं और पूरा होशियारपुर, होशियारपुर बोल रहा हूँ यार, दसुआ है ना, दसुआ शहर जो है वो पूरा ऐसे जहाँ से दिखेगा। और ये है भोलेनाथ जी यहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं। तो ये है टेंपल। जय शिव भोले, जय शंकर महाराज। ये है टेंपल माता जी का और उस साइड तो भोलेनाथ जी का। और ये बजरंगबली जी और ठीक सामने महादेव जी। ये हमारे गणपति जी, हमारे क्या सबके। यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है ना पूरा ही। चलो अब आपको दिखाते हैं यहाँ के पूरा व्यू दिखाते हैं आपको ना। ये देखिए अभी थोड़ा व्यू ठीक ठीक दिखेगा क्योंकि सामने से सूरज पड़ रहा है। और ये पूरा वहाँ से आए थे हम और ये है वो सीढ़ियाँ जो हम चढ़ के आए हैं। स्टार्ट वो नीचे से है बिल्कुल और यहाँ से पूरा आए के तो यहाँ टेंपल पहुँचे हम। और जो आपको ये दिख रहा है जो भोलेनाथ जी की, यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एक मूर्ति बनी है उनकी, बहुत अच्छी देखने को। और ये है टेम्पल, यहाँ दर्शन करने आते हैं जो, ये है वो टेम्पल। और काफ़ी अच्छी जगह है, सुकून सा मिलता है यहाँ आके, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ थोड़ा काम चल रहा है भोलेनाथ जी का जो चांदी का, शायद ये वर्कआउट हुआ पड़ा, इसका थोड़ा रिपेयर नया बना रहे हैं रखने के लिए वहाँ। अभी थोड़ा रिपेयर चल रहा है, जो शिवलिंग है ना उस पर रखेंगे ये। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी तो थोड़ी धूप है, शायद जब सूरज थोड़ा ढलता है ना तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता होगा। कभी आऊँगा तो वो भी व्यू दिखाऊँगा आपको। मंदिर के ठीक नीचे यहाँ पे है लंगर हॉल और यहाँ पे चल रहा है लंगर, खा रहे हैं लोग और गुणगान गा रहे हैं महादेव जी का। और काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। यार अगर सूरज नहीं ना होता सामने तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखना था आप लोगों सभी को। और यहाँ से जाती है सीधी भाई, ये नीचे जाती है ट्रॉली है ना, रोपवे है वो, जाएगी सीधी यहाँ से छोड़ेंगे और नीचे
यहाँ से आएगी, ओ जाएगी नीचे वहाँ। पार्किंग भी वही है ना? नहीं, पार्किंग वो आगे थी। नहीं वही है पार्किंग, हाँ वो सामने गेट दिख रहा है, ये वाला ये गेट दिख रहा है। एक चीज और है, ज्ञान बिल्कुल अच्छे अच्छे बांटे हैं इन्होंने। ये पार्क का बनाया हुआ बच्चों के लिए बहुत अच्छा, और 14 साल के जो कम आयु के बच्चे हैं वही यहाँ आ सकते हैं और झूले ले सकते हैं। और अधिक उम्र वाले समय शर्म करें भाई, शर्म करो, शर्म ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि मजबूरी से बोर्ड लगाना पड़ते हैं यार। चार यात्री आने पर ही चलेगी, अगर किसी को अकेले जाना है तो कम से कम 200 रुपये किराया देकर जा सकते हैं। अच्छा, गाड़ी कम से कम चार यात्रियों के लिए आने पर, अच्छा ऐसी सर्विस भी होगी इसकी, है ना कोई? चलो अच्छा है। और ये यहाँ पेड़ लगा हुआ और नीचे झूले लगे हैं और लोग ले रहे हैं, बड़े अच्छे से बच्चों को दिला रहे हैं झूठे माटे, बहुत अच्छे। हाँ, तो कंडीशन तो भाई बड़ी ख़राब है अपनी, भाई थक चुके हैं, थक। ये छोटे मोटे बच्चों के लिए है ना। तेरी बनाई सब दुनिया ये। वापस आ जा यार, ये भी रास्ता गया इधर कितने है ना। अच्छा यार, एक बार देखी मैंने, ये कोई भी टेंपल में जाता हूँ ना तो ये चीज़ मुझे हर बार मिलती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये होता क्या और क्यों बनाते हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने सुना कि ये घर बनाते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे बने हुए हैं, मतलब इससे होता क्या है, कोई बताएगा मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो कितने वो बनाए हुए हैं, ईंटों के, पत्थरों के, अलग अलग टाइप के, होता क्या है ये। एक्चुअली मुझे इसके बारे इतना पता नहीं है, इतना पता कि लोग घर बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये नहीं पता। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो हम भी बनाएंगे बड़ा सा घर। और क्यों बोले ना जी, सही बात है ना। तो ये थी सीढ़ियाँ जो हम अभी पहले चढ़ के गए थे, अब उतर के आ रहे हैं और अब जाएंगे नीचे और फिर निकलते हैं घर को। बस चलो भाई, मनीष भाई होगी फोटोग्राफी? बिल्कुल भाई होगी, होगी चलो तो निकलते हैं। मनीष भाई भी देखो पूरा स्वेटिंग हो चुकी है और थोड़ी बहुत मुझे भी दिख रही होगी। तो भाई थक चुके हैं थोड़ा थोड़ा, इसका हमें शायद फ़र्क दिखेगा सुबह, है ना? सुबह दर्दें होगी। तो चलो मिलते हैं। एक काम और बहुत बढ़िया कर रखा है यहाँ पे, रास्ते में थोड़े थोड़े गैप देके ना ये शेड बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया बैठने के लिए, क्योंकि थक जाते हैं यार। तो मैक्सिमम भाई गाड़ी आ रही है, हम गलत रूट पे हैं तो इधर खड़े हो जाएं। अभी खाली चली हुई है, ये मंदिर वालों की गाड़ी है और ये शेड बनाई हुई है, यहाँ बैठ के विश्राम करो और फिर पौड़ियाँ चढ़ो तो मज़े कुछ और है। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय बोले की करता जा, ठीक है चलो। हाँ जी भाई, हम भाई रोड जा रहे हैं भाई, पौड़ियाँ नहीं पौड़ियाँ में सीढ़ियाँ नहीं भाई, रोड जा रहे हैं हम जहाँ से गाड़ी जाती है, क्योंकि सीढ़ियाँ भाई स्टेप बाय स्टेप मुश्किल हो रहा है थोड़ा। तो चलो, तो भाई लोगों पार्किंग में पहुँच गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी निकलने लगे हैं घर के लिए। और कंडीशन हमारी देख लो क्या हो चुकी है, पूरे भीग चुके हैं, स्वेटिंग स्वेटिंग स्वेटिंग, और निकलने लगे हैं घर के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी फ्रेंड की कॉल आई है तलवाड़ा से, अभी थोड़ा देर वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ का भी व्यू आपको दिखाएंगे। वहाँ पे एक जगह बुंजा गेट करके बोलते हैं, बुंजा मतलब 52 गेट डैम बना हुआ है वहाँ, तो अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं अभी। तो
कंडीशन देखो क्या बन चुकी है। तो बस मिलते हैं आपको वहां पे, तब तक थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा। जय शंकर। तो ठीक है, जय शंकर महाराज सभी को। और जी असं पहुंच गए तलवाड़े, तो तलवाड़े साढ़े आए ने सानू संधु साहब मिलना है। जय शंकर महाराज जी, क्या हाल है संधु साहब? ठीक है। तो साढ़े इधर अमित भाई, ये वरायटी ने तुम बहुत बार मिले होने। जय शंकर महाराज। और क्या हाल है भाई जी? कहते घर जाते हैं तलवाड़ा जरूर मिलना तो भाई जी ने। मैं चल मिल लीए। वेलकम ही वेलकम भाई, बस भरावान ही जाना जरा। तो चलो हम इतों आप जावे आना, बस उदा ही धक्के बहाना हों मिलन का। इतने संधु साहब सू मिल गए, संधु साहब थोड़ा खाण पीन का समान लै रहे। तो चलेंगे अपना बुंजा गेट है ना, बुंजा गेट चलेंगे। तो उत्थे व्यू तो भी दसा दस भी देखा। चार साल बाद चलो बनना ही होंगे ना। तो मिलते हैं तुम्हें बुंजा गेट से। आप इस टाइम पहुँच गए तलवाड़ा। चंगा जी भाई लोगो, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, आप देख ही रहे होगे। बहुत ही मस्त लोकेशन है यहाँ की, और यहाँ का व्यू एकदम बढ़िया। ये देखो एकदम बढ़िया। हाँ ये देखो, ये दो भाई अपने संधु और अम्मी। संधु अम्मी है, नवा नाम पाता अम्मी, अम्मी का नाम है। तो ये बुंजा गेट, इधर ये बुंजा गेट है। और इधर ये देखो व्यू चेक करो आप। ओए होए होए, पानी चेक करो यार, पूरा ऐसे घूम रहा है ना, ये है मजा। हाँ जी भाई लग, वो देखो वीडियो कॉल लगा दी है लोंडे ने। तो भाई व्यू चेक करो, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। और वेदर भी थोड़ा ठीक है यहाँ, थोड़ी ठंड है क्योंकि आसपास में थोड़ा पानी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और पोंग डैम भी कहते इन, पोंग डैम के भाई वो देखिए जो सामने दिख रहा ना, ये वाला ये पोंग डैम है, ये वाला पूरा पोंग डैम है। इतने केड़े पक्षी आते जे, कहते बाहर के पक्षी आते है नहीं, उदा किधर के आते आते इधरों दी आते, इधरों दी आती, इधरों दी। बस भाई यही व्यू सीगा। तो ब्लॉग ज़्यादा बना नहीं सकता क्योंकि बैटरी लो है फोन की। चलो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था और यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी लो है, तो बैटरी चार्ज करना अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, अभी थोड़ा हम भी इंजॉय कर लें। तो आपको करवा दिया, दिखा दिया आपको डैम, एक बार फिर दिखा देता हूँ। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए फोन चार्ज लगाने लगा हूँ गाड़ी में, और उसके बाद मिलते हैं आपको। भाई बोल रहे हैं कि और भी लोकेशन है, ब्लॉग इतनी जल्दी बंद क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, मिलते हैं आपको भाई। वाकई में व्यू बहुत ही मस्त है। और ये भी कुछ गेट है जहाँ कुछ गेटों में पानी छोड़ा हुआ है, और ये पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। बस हमको ये पता है ये गेट है, और ये हमारा ओहो कोल्ड ड्रिंक पी है तू, आवाज़ कुछ इस तरह आ रही है। तो ये हमारी जान 1333 कर दी है लोग, और अब निकल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि स्विमिंग पूल है इस साइड, बंदे ने बनाया हुआ किसी ने, और बहुत मस्त है। और हम देखने चले हैं, और स्विमिंग तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें आती नहीं। चलो चलते हैं। लोकेशन बहुत मस्त है भाई, लोकेशन बहुत मस्त है। और ये फूल लगे हैं, ओहो हो क्या ब्यूटी है, बहुत ही मस्त। ये भाई एंट्री है स्विमिंग पूल की। तो भाई कितनी दूर है? ये बैक साइड, ये बैक साइड। ओके इधर भी लगता भाई ने थोड़ा सोचा होना कोई पार्क का ना बना, हले बनाया नहीं, ब्रिज ब्रिज दे बनाया। गोरियां दे टाइम दा नहीं यार, सही गल है ना, तां ही जालियां दा बनया, काफ़ी पुराना है। हाँ जी अच्छा रुड़ गया सीगा, गप्पां बहुत बहुत ज्यादा मार दिया है।
खेती होती है इसकी। वाह, दुनिया का सबसे छोटा अनार देखिए भाई, दुनिया का सबसे छोटा अनार है ये, शायद आपने कभी देखा ना हो। ये भाई स्पेशल आंदा होना, इसे दो दाने ही होंगे होने। ये शायद बड़े नहीं होए ना, जो तो फ्लड आया ही कारण। फ्लड कुछ नहीं आया, बस इदा ही गप्पा मार रहे है। और टाइम कि भाई पौने 8 हो गए, जल्दी फ्री करो सानू, असी जाना भी है। तो आया जी, बहुत वधिया व्यू है, हट्टा बनी हुई ने, तो नाल स्विमिंग पूल भी होना। चलो देखते हैं तो तुहानू भी दिखाते हैं। अज मेरा ब्लॉग मिक्स ही चल रहा, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी सारा ही। आह दे खुशी, नहाने की खुशी, जो जो दी हसन दे भाई। फिल्में चल रही हैं बड़ी अच्छी हैं भाई। ये है स्विमिंग पूल, किधर गया? ये है स्विमिंग पूल, मस्त चीज़ है यार। ना असी नहाना ही नहीं, टिकट की लैनी। वधिया यार, वधिया बनाया भाई। स्विमिंग करने आंदी नहीं आंदी होंगी तो नहा जरूर असी टिकट लैके नहाते आप। बहुत वधिया व्यू है। हाँ ये नहाना नहीं, सवेरे नहाना, बाल्टी नाल नहीं आप वॉशरूम जी नहा लेना है। लो जी व्यू काफ़ी वधिया, ले कम चलिया आ, कंस्ट्रक्शन चली हुई है जी। इधर हट्टा वगैरह बनाई हुई है, बहुत वधिया बैठने जगह। करो तुसी विजिट करना चाहिए। तो बस कर दिए भाजी फिर ब्लॉग हूँ कर दिए बंद, असी दे दो सानू इजाजत। फोन की साड़ी बैटरी भी फिर लो होने शुरू हो गई। तो चलो चंगा जी गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही था, और 8 बज चुके हैं, अंधेरा भी हो रहा है और वापस भी जाना है। और भाई लोगों की डिमांड थी कि भाई आपको घुमाना है इधर, और घुमाया भाई ने, बहुत ज़्यादा मज़े आ गए। चलो फिर भी जितना घुमाया भाई बहुत मस्त बढ़िया था। और मिलते हैं हम फिर कभी, हाँ संधु साहब चंगा जी। डैम का ब्लॉग बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, डैम का ना। हाँ ठीक है, परमिशन मिलेगी तो पक्का बनाएंगे, है ना। तो मनीष भाई आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, भाई लोगों ने बहुत अच्छा हमें मतलब दिखाया, सारा व्यू दिखाया। बहुत कौन सा व्यू दिखाया? ये जो डैम का है, नीचे का डैम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर फोन की बैटरी भी लो रही है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक करना बनता है, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।